पहले कभी भी एनिमल लवर नहीं थी, लेकिन आई थिंक मेरे बच्चों ने ये पूरा चेंज कर दिया है. एंड स्पेशली अन्या, शी इज़ अ एनिमल लवर इन माय हाउस. कभी कभी हमको लगता है ये एनिमल से ज़्यादा प्यार करती है और हम लोग से कम. इज इट ट्रू? बोलो जी. बहुत शाय है अपने डैड की तरह. बच्चों को पालना और पेट्स को पालना कितना चैलेंजिंग? नहीं नहीं, बच्चों को पालना इजी होता है, पेट्स को पालना मुझे लगा है और चैलेंजिंग है. बट दे गिव सो मच हैप्पीनेस. हमारे घर में अभी दो हैं, गुलाब एंड जामुन, एक लड़का एक लड़की. थैंक्स टू टैरो, इन्होंने ढूंढ के दिए हमें. और हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन उनको मुझे लगा ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा उन पर टाइम खर्चा, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं. डॉग्स को पूरा ट्रेन करना पड़ता है. बट माई किड्स लव देम, आई लव देम. और अब उनको लगता है मैं उनकी मम्मी हूँ, तो वो सब छोड़ के पहले मेरे पास भाग के आते हैं. तो इट्स क्योंकि आई इन ऑल दीज इयर्स हैव, मैंने कभी भी, आई वॉज नॉट अ एनिमल लवर. तो बट माई डॉटर्स हैव टॉट मी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी काइंड टू एनिमल्स. नहीं, हमेशा कहते हैं ना, बच्चों और एनिमल्स के साथ कभी फिल्म मत बनाओ, क्योंकि वो आपको पूरा ही नचा देंगे. तो बट आई थिंक डॉग्स आर वेरी प्योर हार्टेड, सो मे बी नेक्स्ट टाइम. पर आज आप यहाँ से कोई एनिमल लेके जाओगे? अभी ऐसे बात मत कर, ये देख, पूछो इसको, पूछो इसको. ये देखो, आज मैं लेके नहीं जा रही हूँ, आज मैं आनिया को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ. वी ऑलरेडी हैव टू इन द हाउस आई थिंक. बट ये अपनी क्लास में बाकायदा फ्लायर्स बांटती है, और कल ये वॉलंटियर करने भी आई थी यहाँ पर. तो शी इज मेकिंग श्योर अदर पीपल अडॉप्ट.